नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज पर। आज का वीडियो BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि BPSC के द्वारा आपको पूर्व में प्रोजेक्ट मैनेजर का जो PT का एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हुआ था वो 8 अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था, उसको 5 दिन प्रीपोन कर दिया गया है। अब आपका एग्जामिनेशन 8 अगस्त 2021 को नहीं, 3 अगस्त 2021 को बिहार के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया पर 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक होने जा रहा है एग्जामिनेशन। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अपने जो स्टडी है उसको रूटीन है उसको रीशेड्यूल करिए, ठीक है। अपने जो टिकटिंग कराना है आपको उसकी भी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि समय कम रहता है, टिकट वगैरह आपको अवेलेबल नहीं हो पाए शायद, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू मुझे जहाँ तक अभी तक मेरे को कैलकुलेशन हुआ तो शायद इंडिया के शायद ही किसी राज्य से जो छूटे गए हैं जहाँ के अभ्यर्थी एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो अपना जो रूटीन जो आपका टिकटिंग वगैरह कराना है वो करवा लीजिएगा, पढ़ाई को एक्सपेडाइट कर लीजिए, है ना। जो अभी आप 3 घंटे पढ़ रहे तो कोशिश करिए खूब थोड़ा बढ़ाने का, 25% एक्स्ट्रा आप एफर्ट लगाइए, ठीक है। रिविज़न वगैरह बढ़िया से कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने चूँकि 5 टाइम अपने रिवीजन को अपने 5 पार्ट में बांट के रखा था कि आप 5-5 दिन में एक रिवीजन कंप्लीट करेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास मात्र 19-20 दिन का ही समय बच रहा है। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ के बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और मेंटल एबिलिटी की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाह रही थी कि मैं आप लोगों को जो जिन लोगों ने हार्ड कॉपी मांगा था उनको तो हार्ड कॉपी दे दी, लेकिन बहुतों को अभी तक मिल नहीं पाया है या फिर मिलने में परेशानी हो रही है, और अब तो समय भी काफ़ी कम रह गया है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए अब मैं यही कंसिडर कर रही हूँ कि जो लोग हार्ड PDF भी डिमांड कर रहे थे वो लोग उनको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि समय काफ़ी कम है। और अब भेजते हैं अब जैसे अभी भी बहुत लोग की रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम लोग को कॉपी नोटबुक दे दीजिए, तो समय का अभाव देखते हुए मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप सभी को PDF ही प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लोग उसका प्रिंट आउट लेके अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी 5 दिन में 8 दिन में पहुँचता है तो काफ़ी परेशानी का सामना हो जाए करना पड़ेगा आपको, 10-15 दिन में शायद आप पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाओ। तो PDF ले लीजिएगा, अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके मेरे को आप अपना स्क्रीनशॉट दे देंगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देती हूँ सेम डे सेम टाइम में, ताकि अपनी पढ़ाई को आप कम से कम 20-19 दिन में जो भी समय बच रहा है उसको आप कंप्लीट कर पाएँ। बाकी अपनी तैयारी को बढ़िया से अपने रिशेड्यूल कर लीजिए, रूटीन को रिशेड्यूल कीजिए, रिवीजन को थोड़ा एक्सपेडाइट कर लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए। आप सभी को पता है आपको 3 पोर्शन ही पढ़ाई करनी है। हाँ, एक और परेशानी अभी भी आप लोगों का सर दिमाग में बना हुआ है, बहुत लोग पूछते हैं मैम कि GS और GK में क्या क्या पढ़ेंगे। भाई GS और GK कहीं नहीं पूछा गया है, केवल करंट अफेयर्स की बात हुई है, ठीक है। और आपको इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट अफेयर्स पढ़ना है, ना कि GK, GS, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें कहीं नहीं लिखी हुई है सिलेबस में। आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो केवल आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस करनी है। ये 3 सेगमेंट से ही आपको 70-40-40, मतलब 70 आपको इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएगा, 40 करंट अफेयर्स से और 40 मेंटल एबिलिटी से, इतनी ही तैयारी करनी है, ना कि आपको पूरा GK GS पढ़ बैठना है, ठीक है। वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा और वेस्टेज ऑफ कह सकते हैं नॉलेज भी हो जाएगा, वो अभी आपके लिए काम का नहीं है। आप 67 की तैयारी करने के लिए उसको पढ़ लीजिए या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पे आपका उसका रिक्वायरमेंट है। इस एग्जामिनेशन में उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बता रही हूँ, आपका जो एग्जामिनेशन है रीशेड्यूल कर दिया गया है, प्रीपोन कर दिया गया है। ध्यान देंगे 8 तारीख नहीं, अब 3 अगस्त 2021 को एग्जामिनेशन होना है। अपना रिवीजन को एक्सपेडाइट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।